सो हे गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्लो मेजरमेंट के बारे में। यदि आप प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में जॉब करना चाहते हो और वहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में, ठीक है। तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में जो बेसिक हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि रेगुलर मैनेज करना या उसको मेज़रमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में ये जो बेसिक काम आता है, ये हमारा काम आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है या जिसकी मेज़रमेंट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मैं एक ओवरव्यू अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो होता है पैरामीटर मेज़र करना, दैट इज़ अ फ्लो। हमें सबसे पहले फ्लो की पूरी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है कि फ़्लो कितने स्पीड में जा रहा है, फ्लो रेट क्या चल रहा है, टोटलाइजर क्या चल रहा है, फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, किस टाइप का फ्लो है, या हमारा फ्लो जो है वो किस लाइन में चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वो है प्रेशर। हमारे पास प्रेशर मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। एंड थर्ड वन जो हमारे पास है वो है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में जॉब करो या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में करो। बेसिक प्रोसेस इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। प्रोसेस चलने का मतलब ये हो रहा है बेसिक कि वहाँ पे जैसे कि आप सीमेंट फैक्ट्रीज में जाते हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज में जाते हो, जहाँ पे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जाते हो, या आप किसी रिफाइनरी में जाते हो। तो इन सभी इस तरह की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसे हम वहाँ पे हमारा जो बेसिक यूज़ होता है वो होता है हमारा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, धीरे धीरे वो भी बात करेंगे। बट आज की जो बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको फ्लो के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि फ़्लो क्या होता है। तो इस कंटेंट में आज की जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि अबाउट द मेज़रमेंट, सबसे पहले मेज़रमेंट होता क्या है, उसके बाद बात करूंगा कि फ़्लो क्या होता है, फिर बताऊंगा आपको कि कितने तरह के फ़्लो होते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लो मीटर कितने तरह के होते हैं। क्योंकि आप मैनुअली हर चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जाते हो मैनुअल इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि आप उसके रिकॉर्ड को डेली मैनुअल ही मेंटेन करो। तो उसके लिए अलग अलग तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर, जो कि है हमारा बेसिक अबाउट मेज़रमेंट। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड, इसमें कि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट बताने वाला हूँ। तो मेजरमेंट को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये देखो, स्लाइड पे जो आपको लिखा जा रहा है वो आप समझो पहले क्या बोलता है, कि मेजरमेंट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अननोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब होता है कि मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ का करते हो तो उसके सेम क्वांटिटी के साथ ही मेज़र करते हो, है ना। जैसे कि आपको अगर किसी वेट को मेज़रमेंट करना है, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट, या आप सपोज करो, चलो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, आपको डिस्टेंस मेज़र करना है, तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए आप केजी में तो मेज़र नहीं करोगे, ठीक है। आप उसे लीटर में तो मेज़र नहीं करोगे ना, आप किस में मेज़र करोगे। तो डिस्टेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक हमारे पास मेज़रमेंट यूनिट्स होते हैं, हम उसमें मेज़र करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे तो हम किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं मिलीमीटर में, हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको और भी आगे चल करके अगर मैं बात करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक नट वोल्ट है, उसकी अगर आपको मेज़रमेंट करनी है कि वो कितने इंच का है, कितने एमएम का, तो क्या आप उसे किलोमीटर में तो मेज़र नहीं करोगे ना, उसे आप एमएम में मेज़रमेंट करोगे। बहुत ज़्यादा होगा तो उसे आप किस में मेज़रमेंट कर सकते हो, आप उसे कर सकते हो सेंटीमीटर में मेज़रमेंट, इंच में मेज़रमेंट कर सकते हो, लेकिन आप फुट में, मीटर में, किलोमीटर में तो मेज़र नहीं करोगे ना। तो ये हमें एक सेम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूनिट लेके मेजरमेंट करना है। तो वही बोलता है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक नोन क्वांटिटी होता है एंड अनदर वन इज योर अननोन क्वांटिटी, जिसे आपको मेजर करना है, ठीक है। तो बेसिक ये मेजरमेंट का मतलब होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है द वैल्यू ऑब्टेंड ऑन मेजरिंग इज अ क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम जो भी चीज़ को मेज़र करते हैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? तो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमारा, वो होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली टू मुंबई मैं बोल दिया, तो ये तो केवल एक
मतलब इसको मैं पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं बोल सकता हूँ कि क्या है, ठीक है, बट अगर मैं इसके साथ अगर ये बोलूँ कि आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है बट आपकी जो डिस्टेंस है वो अराउंड 800 किलोमीटर है, ठीक है, अराउंड 800 किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर से आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ 800 किलोमीटर तो मैं कितने टाइम में कवर करूँगा, मैं कितनी स्पीड से अपनी गाड़ी से जाऊँगा या ट्रेन से जा रहा हूँ या फ्लाइट से जा रहा हूँ, वो आपकी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कितने टाइम में उस चीज़ को कवर करोगे, तो आपको ये मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जैसे आप बाइक अगर राइड कर रहे हो तो उसमें भी आपको पता चलता है कि मैं 60 के स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं 70 के स्पीड पे चल रहा हूँ, तो बेसिक जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है मेजरमेंट में वो हमारा होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर, एमएम या माइल्स में हम लोग मेज़र करते हैं। वेलोसिटी मेज़र करने के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर, इस तरह के यूनिट्स में क्या करते हैं हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आज समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बातें। अगली स्लाइड में मैं देखता हूँ कि आगे क्या आता है। अब देखो हमारे पास है फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट इन इंडस्ट्रियल और गैस प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम जब इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या क्या मेजरमेंट करना होता है। तो हमारे पास जैसे कि प्रेशर है, फ्लो रेट है, टेम्परेचर है, पीएच लेवल है, लेवल सेंसर होते हैं हमारे पास, टॉर्क मोशन एंड वाइब्रेशन सेंसर डेंसिटी के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी को यूज़ करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट होते हैं, तो मेजरमेंट के अंदर ही आता है। जैसे कि आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए तो आपको पास्कल की यूनिट लेनी होगी, किलो पास्कल आप यूज़ कर सकते हो, मेगा पास्कल यूज़ कर सकते हो, PSI आपके पास हैं, ये सब क्या यूनिट्स हैं आपकी। उसी तरह से फ्लो रेट अगर आपको देखना है, क्यूबिक फीट पर सेकंड होता है आपके पास, क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है, गैलन्स पर मिनट होता है, या मीटर क्यूब पर आवर आपका होता है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फ्लो रेट होते हैं। उसी तरह से अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैल्विन होती है, सेल्सियस होती है, या इसे हम लोग सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, एंड फ़ारेनहाइट होती है। एंड द फोर्थ वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रैंकिन। रैंकिन आपको, आपने पढ़ा होगा अगर क्लास 11th में आपने अगर टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, तो आप यूनिट कन्वर्जन में फोर्थ हमारे पास जो यूनिट होती है वो रैंकिन होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, वो बेसिक तीन ही पैरामीटर जानते हैं टेम्परेचर के, दैट इज केल्विन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, बट हमारे पास जो फोर्थ वन होता है दैट इज़ अ रैंकिन, ठीक है। पीएच लेवल होता है, टॉर्क लेवल होता है, इस तरह के हमारे पास बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं यूज़ करने के लिए, बट हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रेशर, फ्लो एंड टेम्परेचर, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब क्या आता है हमारे पास। अगला आता है इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लो, व्हाट इज़ द फ्लो, फ्लो क्या होता है। तो किसी भी बल्क मूवमेंट, ठीक है, किसी भी बल्क फ्लूइड का जो मूवमेंट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लो, ठीक है। वो चाहे आपके किसी पाइपलाइन के अंदर हो सकता है या किसी ओपन चैनल के अंदर, ओपन कैनाल्स के अंदर हो सकता है, आप कहीं भी देखते हो जहाँ पे बल्क नंबर ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, वो चाहे गैस के हो सकते हैं, ऑयल के हो सकते हैं, लुब्रिकेंट के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की जो बल्क बल्क में वो जो फ्लो कर रहा है ना उसे हम क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग फ्लो करते हैं। जैसे आपके घर में पानी जब आती है तो पानी भी क्या है, वाटर का एक बल्क फ्लूइड है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो फ्लूइड आ रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो। एक फ्लो का मतलब होता है बेसिक है स्पीड, ठीक है, स्पीड हो रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि फ्लूइड और गैस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट, ठीक है। तो फ्लूइड और गैस को जो हम लोग बेसिक मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ फ्लो रेट। और गैस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज़ अ क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और सॉरी लिक्विड के लिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं, और गैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केजी पर सेकंड, ठीक है, कि एक सेकंड में कितना केजी हमारा गैस गया है। जैसे कि आप अगर पेट्रोल पंप पे जाते हो, वहाँ पे जब आप सीएनजी लेते हो तो सीएनजी क्या है, बेसिक एक गैस है, तो उसके लिए हम लोग केजी में लेते हैं ना, केजी। आपके घर पे भी जो सिलेंडर आते हैं वो भी क्या हमारे होते हैं, वो भी हमारे केजी में होते हैं, 14.4 केजी, 14.7 केजी, 20 केजी की गैस आते हैं सिलेंडर, ठीक है। अगला होता है कि फ्लूइड कैन बी ट्रैवल थ्रू ओपन चैनल और क्लोज पाथ। हमारा जो फ्लूइड होता है वो किसी भी चैनल में काम करने के लिए सक्षम है, वो चाहे ओपन हो या क्लोज हो। ओपन का अगर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ तो ओपन में आप रिवर देख सकते हो, सी देख सकते हो, या किसी कैनाल्स को देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे कि आपके वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे हैं, आप अपने घर में भी देखते हो या फिर आप किसी इंडस्ट्रीज में जाते हो, तो जो हमारे इंडस्ट्रीज के जो आउटलेट होते हैं, जो पूरा इंडस्ट्रीज से बाहर जो हम आपका जो भी वाटर है या जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं वो भी क्या होता है, हमारा ओपन ही होता है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग बेसिक ओपन चैनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ओपन चैनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ओपन चैनल अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टू मेजर द फ्लो रेट, ठीक है। और अगर क्लोज की बात करता हूँ तो आप क्लोज में देख सकते हो आपकी पाइपलाइन है घर की, जो कि आपका वाटर टैंक से जो आपके वॉशरूम में या आपके किचन में या आपके जहाँ भी आप यूज़ करते हो वाटर, वहाँ पे जो पाइपलाइन के थ्रू वो हमारा क्या होता है, बेसिक क्लोज पाथ होता है, ठीक है, वो हमारा क्लोज हो गया। और ओपन का मतलब जो हमारा ओपन एरियाज में होते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगला आता है मेनली इन अ फ्लो थ्री पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर मैं फ्लो के बारे में बात करता हूँ तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो तीन पैरामीटर होते हैं किसी भी फ्लो को मेजर करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ द वेलोसिटी, सेकेंड वन इज़ द प्रेशर, थर्ड वन इज़ योर डेंसिटी। हम इन तीनों चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो एक ऑप्शन आप देख रहे हो ये हमारा बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, सॉरी ये टरबाइन का हमारा है। ये टरबाइन के अंदर किस तरह से रोटेट करता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिक हमारे पास फ्लो जो होते हैं वो फाइव टाइप्स के फ्लो होते हैं। हमारे पास स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो होता है, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है, यूनिफॉर्म एंड अनयूनिफॉर्म फ्लो होता है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, रोटेशनल एंड अनरोटेशनल फ्लो होता है, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है बेसिक, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लूड इन अ फ्लो एट अ पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। कहने का क्या मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टाइम के अकॉर्डिंग जो फ्लूइड की हमारे पास वेलोसिटी है, प्रेशर और डेंसिटी है, अगर ये चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इट मीन्स ये कॉन्स्टेंट अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लो है वो कैसा है, एक स्टडी फ्लो है, ठीक है। बट अगर टाइम टू टाइम वो चेंज कर रहा है, जैसे कि आपका फ्लो रेट है मेजर कर रहे हो, प्रेशर मेजर कर, वेलोसिटी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, सही चल रहा है, फिर वो नेक्स्ट पॉइंट के बीच, मान लो कि आपके पास ए बी सी तीन पॉइंट है, ए से बी तक वो ट्रैवल किया फ्लो एज अ 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बट बी टू सी क्या हुआ, वो 25 हो गया या 15 हो गया, तो वो हमारा किस तरह का फ्लो हो जाएगा, दैट इज अनस्टडी फ्लो। बट अगर वो कंटिन्यू एक ही फ्लो पे चल रहा है तो हमारा होता है स्टडी फ्लो, ठीक है। अगला हम उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, अगर मैं अनस्टडी फ्लो की बात करूँ तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, तो हम वहीं वहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी होता है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स इट इज़ अ अनस्टडी फ्लो, ओके। तो देखो ये कुछ हमारे पास स्टडी एंड अनस्टडी के हमारे पास एग्जांपल है कि स्टडी फ्लो में क्या हो रहा है कि आपका एक स्पीड से चल रहा है और अनस्टडी में क्या हो रहा है आपका थोड़ा सा वो फ्लो में फ्लक्चुएशन आ रही है, ओके। अगला हमारे पास आता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो का जो बेसिक मीनिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे फ्लो के मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे फ्लो के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइंस में पाथ करते जा रहे हैं कंटिन्यू, मतलब आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो। बट ये बहुत कम ही जगह देखने के लिए आपको मिलता है, ज़्यादातर हमें मिलता है टर्बुलेंट फ्लो, ओके। तो हमारा अगला जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हाई डिस्चार्ज होती है, तो हाई डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाटर की जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, इट मीन्स अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो विद इन अ 5 मिनट आप 1000 लीटर या 2000 लीटर या 5000 लीटर पानी, अगर 5 मिनट के अंदर आप 10,000 लीटर पानी का निकाल रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज में बेसिक ये पूछ देते हैं कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, अगर आपको 1 मिनट के अंदर आप 1000 लीटर अगर पानी निकाल रहे हो तो वहाँ पे किस तरह के आपको फ्लो देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे बेसिक हमें टर्बुलेंट फ्लो ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो होता है यूनिफॉर्म एंड अनयूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो का बेसिक मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ फ्लो इन विद द कंडीशन ऑफ फ्लो कॉन्स्टेंट फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। हमारे पास हर एक सेक्शन में जो होता है ना फ्लो कॉन्स्टेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टडी में बताया था ना, स्टडी फ्लो में बताया था, तो उसी तरह का होता है। बट यहाँ पे क्या होता है आपका कि आपके वही वेलोसिटी है और प्रेशर है, वो टाइम वो सब कॉन्स्टेंट यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। बट अनयूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है बेसिक कि यहाँ पे जो आपके जो फ्लो होते हैं वो कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं। यूनिफॉर्म में क्या होता है आपके जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होते, फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, कहीं पे आपको 30 मीटर क्यूब पर आवर आपको दिखेगा, कहीं आपको 40 दिखेगा, कहीं 32 दिखेगा, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रही है, वहाँ पे अनयूनिफॉर्म फ्लो है बेसिक, हाई डिस्चार्ज में ये भी काम आता है। तो इस तरह का आपको फिगर आप देख के समझ सकते हो यहाँ पे कि स्टडी और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के इसे समझ सकते हो कि अगर आपका वाटर कंटिन्यू आ रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन तो वो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होता है, अगर हम उसी वाटर के अंदर अगर कोई स्टोन या कुछ हेवी मटेरियल्स रख देते हैं जिससे कि वो कोलाइड कर रहा है तो वहाँ पे हमें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब बेसिक क्या होता है कि अगर आप कोई डिस्चार्ज कर रहे हो आपका, ठीक है, अगर कोई आपका दो सेक्शन ले लो आप, सपोज करो दो सेक्शन आपके पास, ठीक है, दो पाइप हैं आपके पास, एक का पाइप का जो आपका डायमीटर है वो है सपोज करो आपका 10 mm का और सेकेंड पाइप का डायमीटर है वो है 6 mm का, ठीक है। तो जब आप 10 mm से 6 mm के थ्रू जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपका जो
6-10 mm का जो आपका पाइप है उसका क्या है, जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ से फ्लो की स्पीड जो है वो क्या है, हल्की धीमे आ रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप जो उसको कन्वर्ट कर रहे हो 6 mm में, ठीक है, तो वाटर का वही लेवल है लेकिन वो जा रहा है 10 mm से 6 mm में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन उसका चेंज हो रहा है। तो इस जब यहाँ पे सेक्शन चेंज होता है तो हमारा क्या होता है, जो कंप्रेसिव फ्लो का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कितना वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो कंप्रेस हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। बट अगर सेक्शन सेम है तो हमारा क्या होगा, वो अनकंप्रेसिबल फ्लो होगा, यानी वहाँ पे कंप्रेस फ्लो कंप्रेस तो हो नहीं रहा है, वो कंटिन्यू फ्लो करता जा रहा है, तो वो हमारा होगा अनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। अब अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ, दैट इज़ रोटेशनल एंड अनरोटेशनल फ्लो, तो रोटेशनल फ्लो का मतलब बेसिक ये होता है कि इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग अलोंग अ स्ट्रीम और रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है जब वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ से अगर कोलाइड करता है, एक स्ट्रीम लाइन मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, वो जब कोलाइड करता है किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो वो अपने ही एक्सिस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक घूम के वापस से वही लाइन कैचअप करते हैं। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक अच्छे समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारा ये एक फर्स्ट वाला डायग्राम जो देख रहे हो वो हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या है, रोटेशनल है, ठीक है। तो रोटेशनल का मतलब क्या हो रहा है, देखो वाटर वहाँ से ऊपर से जा रहा है और वापस क्या हो रहा है, डायरेक्ट का डायरेक्ट वो निकल जा रहा है, ठीक है। एक बीच में होल कर दिया गया, उस होल के अंदर कुछ पानी जमे, वो आपस से वही पानी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रोटेशनल फ्लो होता है। और रोटेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका वाटर कहीं जा रहा है, आपने क्या किया, एक बीच में कोई हैवी रॉक्स रख दिया, अब क्या हो रहा है, वाटर जो फ्लो कर रहा है वो वापस उससे टकरा के वापस रिवर्ट भी आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आप सेकंड वाले डायग्राम में देख रहे हो। तो ये हमारा होता है रोटेशनल फ्लो। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास फ्लो मीटर के बारे में, तो फ्लो मीटर कितने तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर, बेसिकली डिजिटल फ्लो मीटर एंड एनालॉग फ्लो मीटर। अगर मैं डिजिटल फ्लो मीटर की बात करता हूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, टर्बाइन फ्लो मीटर है, वोटेक्स फ्लो मीटर है, अल्ट्रासोनिक एंड ओपन चैनल फ्लो मीटर है। अगर वही मैं सेकंड बात करता हूँ तो हमारे पास एनालॉग फ्लो मीटर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेसिक मैकेनिकल फ्लो मीटर्स होते हैं, रोटामीटर होते हैं, ब्रास कॉइल होते हैं हमारे पास। ये कुछ हमारे पास बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक फ्लो मीटर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे करके आगे मैं इसके बारे में एक एक करके वीडियो बताऊंगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया कर बताऊंगा। जैसे कि अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर विल वर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को कैसे कंपनीज में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर कॉइल का क्या काम होता है, सेंसर कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रोड्स कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, फैराडे लॉज कैसे अप्लाई होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में। तो इन धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आशा करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आएगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।